बाड़मेर शहर के चौहटन चौराहा स्थित चीणों की आंकली में बुधवार देर रात संदिग्ध अवस्था में युवक का लहूलुहान शव मिला था। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था। गुरुवार को घटनाक्रम की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन मोर्चरी पहुंचकर मौत के कारणों का खुलासा करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार दोपहर बाद पुलिस ने समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द किया। बाड़मेर शहर के चौहटन चौराहे के पास स्थित छीणों की आंकली में बुधवार रात संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिलने से शहर में सनसनी फैल गई। घटनाक्रम की सूचना पर पुलिस कोतवाली थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की पड़ताल शुरू की। मृतक की शिनाख्त मोहनलाल पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी बूट जैतमाल के रूप में हुई, जो आंकली में आने वाली गाड़ियों से छीने उतारने का काम करता था। पुलिस की सूचना पर गुरुवार सुबह मृतक के परिजन और गांव के लोग मोर्चरी पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए मौत के कारणों का खुलासा करने की मांग करने लगे। कि हम तो गांव में रहते हैं, जो यहाँ मजदूर कर रहा था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोई सीन पट्टिया की गाड़ी खाली कर रहे थे, तो वो सीन ऊपर गिरने से मजदूर था, इसकी मौत हो गई। लेकिन हमारे इसमें शक लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मामला अलग है, इसका मर्डर सरसन से यही मांग है कि जो भी हो गई उसे कार्रवाई करें, जो भी मामला हुआ है ना उसकी उसे कार्रवाई करें। काफी पुलिस की समझाइश और दोपहर बाद तक आंकली संचालक और मृतक के परिजनों के बीच गतिरोध चलता रहा और पुलिस भी समझाइश करती रही। आखिरकार दोपहर बाद मृतक के परिजनों ने शव उठाने पर सहमति जाहिर की, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एक युवक है जिसका नाम मोहन लाल है, जो बूट जेतमाल दोरी मना थाने का रहने वाला है। कल शाम को रात को लगभग 10 बजे जो प्रथम दृष्टया जो सूचना में मिली है कि छीणे उनके ऊपर काम कर रहा था, जिनके नीचे दबने से इसकी डेथ हो गई। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट मामला लग रहा है, उनके परिजन आए हुए हैं और जो सी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उस अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक शव उठाया नहीं? नहीं, अभी तक इन्होंने शव नहीं उठाया है। जो सामने जिस पर ये काम करता था उससे और उनके परिजनों के आपस में बातचीत चल रही है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मजदूर के साथ काम करने वाले मजदूरों से पूछताछ करने पर सामने आया कि पत्थर की छीने उतारते समय एक छीन युवक के सिर पर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।